अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टरों, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूं और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग एमडी कैट 2022 का क्रैश कोर्स चला रहे हैं और उसमें जो पहला यूनिट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पीएमसी का यूनिट नंबर 1 है, जिसके नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ या ए सेल्यूलर लाइफ। इसमें हम वायरस के इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं, उसके एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं, वायरस के स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं, उसके एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं, और आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों ने मुझे कहा है कि मैं इसको बोर्ड पे अगर पढ़ाऊं तो ज्यादा बेहतर है। तो बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ डायग्राम ऐसी होती है कि वो बोर्ड पे हम कितनी ही कोशिश कर लें अच्छा बनाने की, वो उतनी अच्छी नहीं बनती जितनी अच्छी डायग्राम मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो इसलिए जहां मुझे लगेगा कि बोर्ड पे जाना चाहिए मैं आपके लिए बोर्ड पे चला जाऊंगा, और जहां मुझे लगेगा कि यहाँ पर आपको इस तरह की चीजें दिखाने, डायग्राम दिखाना ज्यादा बेहतर रहेगा, तो मैं फिर इस तरीके से आपके साथ ऑन स्क्रीन जो है वो सेशन करूंगा। तो आज का ये जो सेशन है हमारा ऑन स्क्रीन सेशन है, और आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की। अब जब क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की हम लोग बात करेंगे तो इसमें कुछ डायग्राम मैंने आपको दिखानी है जो कि बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और वो यहीं पर आपको बेहतर नजर आएंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने वही करना है जो आप हमेशा करते हो, आपने वीडियो को लाइक करना है जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर अपने दोस्तों को अब तक आपने इसके बारे में नहीं बताया तो उसके अपने दोस्तों को ही बताना है ताकि वो भी आगे हमारी सीरीज ज्वाइन करें। ठीक है, तो आए शुरू करते हैं। तो ये आपके पास वायरसेस के ओरिजिनल फोटोग्राफ है, आप देख रहे हैं, ये दिस इज अ टेलपोर वायरस। लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वायरस के स्ट्रक्चर की, ये हमें इसके कैप्सिड नजर आ रही है, हमें इसकी टेल नजर आ रही है, हमें इसके बेस प्लेट नजर आ रही है, हमें इसके टेल फाइबर नजर आ रहे हैं। अब वही तरीका होगा हमारा पढ़ने का जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं, कि मैं इस स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए, स्लाइड को आपके सामने चला दूंगा ताकि आप इसको पॉज करके चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले लें, चाहे तो इसके नोट बना लें, चाहे तो उसको अपने पास किसी कॉपी में नोट डाउन कर लें, इसे की पॉइंट बना लें, जो आपका दिल चाहे वो करें, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसके एमसीक्यू भी शेयर करूंगा। तो जब हम बात करते हैं वायरस क्लासिफिकेशन की, तो वायरस को क्लासिफाई करने के बहुत सारे पैरामीटर हैं। उनमें जो पहला पैरामीटर है वो हम उसको उसके होस्ट की बेस पे क्लासिफाई करते हैं। आपको पता है वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स, तो वो अपने होस्ट की बेस पे भी क्लासिफाई किए जाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इसमें आगे काम करें, अगर आपने अब तक इसके इंट्रोडक्शन की और इसके स्ट्रक्चर की वीडियो नहीं देखी है और उसके एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, तो इस वीडियो के दौरान डिफरेंट लिंक्स यहाँ पे आते रहेंगे, वो आप देखते रहिएगा और पहले उसको सॉल्व कीजिएगा ताकि इसका सीक्वेंस बन जाए और आपको मजा आए करना। ठीक है, तो देखिए, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं, ये इसकी पहली क्लास हो गई। दूसरे, वो वायरस जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम एनिमल वायरस कहते हैं, और तीसरे, वो वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम प्लांट वायरसेस कहते हैं। बिल्कुल आसान है। अब आपने क्या करना है, एक दो एग्जाम्पल ध्यान में रखनी है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट वायरस की एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास जो लैम्डा वायरस होते हैं वो बैक्टीरियोफेज वायरसेस की एग्जाम्पल होते हैं, और एनिमल वायरस में जो हमारा पिकोर्नो वायरस है वो हमारा पोलियो और हेपेटाइटिस ए कॉज करवाने वाला वायरस है, पॉक्स वायरस जो है वो स्मॉल पॉक्स करवाने वाला वायरस है, आरबो वायरस डेंगू कॉज करवाते हैं, रैबडो वायरस रेबीज कॉज करवाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये डिफरेंट वायरसेस आपको नजर आ रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं आरएनए कंटेनिंग वायरसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि आमतौर पर जो काफी सारे प्लांट वायरसेस होते हैं वो आरएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं, और डीएनए कंटेनिंग वायरसेस जो कि आपके पास एनिमल वायरस या बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। अच्छा, यहीं से आप देखें एक और क्लासिफिकेशन आपको पता लग गई जो कि बेस करती है इसके जेनेटिक मटेरियल पे, इसके भी हम डिटेल बात करते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन होती है वायरस की, वो उसकी शेप ऑफ कैप्सिड पे बेस करती है। क्या मतलब हुआ, देखें ये देखें, जैसे अगर ये आपको स्टिक लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा हो उस तरह का, तो ये वाले जो वायरसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे प्लांट वायरस की उन्होंने एग्जाम्पल ली है और देखें आप आरएनए आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं हेलिकल वायरस। तो ये देखें मैंने लिख दिया हेलिकल कैप्सिड विद ओवरऑल शेप ऑफ रिजिड रॉड, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस की एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा फिर देखें पॉलीहेड्रल कैप्सिड, देखें पॉलीहेड्रल कैप्सिड है ये आपको जो है वो हेक्सागोनल टाइप नजर आ रही है, और एक चीज नोट करें, इसके जितने कॉर्नर हैं, जितने वर्टेक्सेस हैं, उसके ऊपर आपको ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक नजर आ रही है, देखिए ये नजर आ रही है। अच्छा, इसको आप देखेंगे ना तो आपको उसके पूरे एनवेलप के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक नजर आ रहे हैं, तो फर्क समझ में आ गया, इसमें इसकी पूरी बॉडी पे ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स हैं, और यहाँ पर सिर्फ जो इसके वर्टाइसिस हैं, वर्टेक्सेस हैं, जो इसके अपाइसिस हैं, जो कॉर्नर हैं, वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। पॉलीहेड्रल कैप्सिड विद स्पाइक्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एट ईच वर्टेक्स, ये हम इसकी बात कर रहे हैं इस वाले की, एंड ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक स्टडी इन एनवेलप एट आउटर सरफेस ऑफ द वायरस, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसे यहाँ पर आपको नजर आ रही है। देखिए चौथी टाइप, वायरसेस विद कॉम्प्लेक्स पॉलीहेड्रल कैप्सिड एंड टेल स्ट्रक्चर, ये देखें, तो देखिए कॉम्प्लेक्स पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, मगर आप देख रहे हो उसकी वर्टाइसिस पे आपको ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक नजर नहीं आ रहे। फिर आप पास नेक है जिसको हम इसे कॉलर भी बोलते हैं, फिर इसकी टेल है, फिर बेस प्लेट है, फिर टेल फाइबर है, वगैरह वगैरह। तो ये चार क्लास हो गए, तो ये हेलिकल हो गया, ये पॉलीहेड्रल हो गया विद ग्लाइकोप्रोटीन एट वर्टाइसिस, ये हमारे पास एनवेलप्ड वायरसेस हो गए जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन पूरी बॉडी पे उनकी है, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रॉड लाइक टाइटपोल लाइक वायरसेस हो गए। अब वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली और वीडियो पसंद आ रही है तो बेटे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। ठीक हो गया, ये तीसरा और आखिरी हमारी क्लासिफिकेशन है जो कि जीनोम पे बेस करती है वायरस की। अब जीनोम की बेस पे वायरसेस कुछ टाइप होती है, जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। ठीक हो गया, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको एक वायरस नजर आ रहा है, और इसमें आप देख रहे हो ये आपको बाहर इसकी आपकी एनवेलप नजर आ रही है जो कि एक्सटर्नल एनवेलप है, फिर कैप्सिड है, फिर आपको इसका कोर नजर आ रहा है, फिर देखें आपको ये इसमें डीएनए का फाइबर नजर आ रहा है, और ये चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है।
तो जिन वायरसेस के बाद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उनको हम डबल स्ट्रैंडेड जो है वो डीएनए वायरसेस कहते हैं। सेम गोज विद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। अब जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं उनमें इस तरह का एक सिंगल स्ट्रैंड होता है डीएनए का, डबल स्ट्रैंड नहीं होता। जैसे यहाँ पर आपको डबल स्ट्रैंड नजर आ रही है तो उसमें आपको आरएनए की तरह डीएनए की तरफ एक स्ट्रैंड नजर आएगी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डीएनए डबल स्ट्रैंड नजर आ रहा है, डबल स्ट्रैंड नजर आ रहा है। तो जिस तरह यहाँ पर आपको आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड नजर आ रही है इसी तरीके से वहां पर भी आपको आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड नजर आएगी। फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें यहाँ पर आपको आरएनए के दो स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं, एक स्ट्रैंड ये वाला है और एक स्ट्रैंड ये वाला है। तो ऐसे वायरसेस जिनके पास आरएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं उनको हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस भी जो है वो कहते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस एग्जांपल मैंने सारे लिख दिए, तो ये आप देख सकते हैं साथ साथ। ओके, उसके बाद हमारे पास है जनाब अली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस बहुत आसान है, वो भी इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे जैसे डीएनए और इस डायग्राम में भी आपको नजर आ रहे हैं। ये देखें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस ही आपको नजर आ रहे हैं, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। अच्छा, एक चीज जो बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, बहुत परेशान करती है, वो प्लस स्ट्रैंड और माइनस स्ट्रैंड के चक्कर है। तो एक डायग्राम देखें आपको बात समझ में आ जाएगी। अब देखें ये एक वायरस है जो अपने होस्ट सेल पे अटैच हुआ है और ये लाल वाला इसके जेनेटिक मटेरियल है। इसी तरीके से ये वायरस है अपने होस्ट सेल पे अटैच हुआ है और ये इसके जेनेटिक मटेरियल है। अब दो चीजें नोट करें, इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल में एंटर किया और इसका जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट ट्रांसलेशन के प्रोसेस में चला गया, यानी इसका जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली एक्ट कर रहा है मैसेंजर आरएनए के तौर, और उससे फिर क्या हो रहा है जनाब अली, उससे फिर प्रोटीन बन रही है और प्रोटीन जो है वो वायरसेस को बनाने में अपना पार्ट प्ले कर रही है। इसके साथ साथ ये ट्रांसक्रिप्ट करके अपने जैसे न्यू आरएनए भी बना रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर ये आरएनए और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल कंबाइन होकर न्यू वायरसेस बना रहे हैं और वो न्यू वायरसेस होस्ट सेल से बाहर निकल जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आरएनए होस्ट सेल में एंटर हुआ और देखो डायरेक्ट इससे प्रोडक्ट नहीं बने, पहले इसने ट्रांसक्रिप्ट करके अपने मैसेंजर आरएनए बनाए, फिर मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होकर प्रोटीन में कन्वर्ट हुए, फिर प्रोटीन प्रोडक्ट बनी और साथ रेप्लिकेशन भी। तो फर्क समझ में आया आप लोग, यानी जो प्लस स्ट्रैंड वायरसेस होते हैं वो अपने ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल को एज ए एमआरएनए इस्तेमाल करवा के होस्ट सेल में उसी से प्रोटीन बना लेते हैं, जबकि जो माइनस स्ट्रैंड आरएनए होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, वो पहले अपने होस्ट सेल में एंटर होते हैं, होस्ट सेल में एंटर होने के बाद पहले अपने मैसेंजर आरएनए बनाते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, और फिर उसके बाद वो जो मैसेंजर आरएनए होता है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो इस तरीके से ये आपने वायरस की क्लासिफिकेशन पढ़ी। तो देखें प्लस स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, नाम से पता लग गया आपको कि इनकी ये आरएनए वायरस होंगे, इनके पास आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होगा और ये होस्ट सेल में जाते ही डायरेक्ट एक्ट करने लगेगा जैसे एमआरएनए के, जबकि माइनस स्ट्रैंड जो होगा वो आप समझ गए, पहले जाके ट्रांसक्रिप्ट करके अपने जैसे एमआरएनए बनाएगा और फिर वो एमआरएनए प्रोटीन बनाएंगे। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल सब्सक्राइब किए अगर वीडियो देखते हो गलत करते हो सब्सक्राइब किया करो। तो अपना ख्याल रखो, मुझे इजाजत दो, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे HIV के लेक्चर के साथ और यूनिट को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, चलो अल्लाह हाफिज़।